हेलो वेलकम नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल। आई एम दिशा एंड दिस इज़ योर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083। प्रीवियस सेशन में हम लोग चैप्टर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिकल एंड दिस इज़ योर चैप्टर 2 पाइथन रिवीजन 2। इस चैप्टर में भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम लोग अभी करंटली पढ़ रहे हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के फंक्शंस हम लोग 5 फंक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 5 फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने पॉप फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसको रिपीट कर लेते हैं। L1 नाम की हमने एक लिस्ट ली। लिस्ट में पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ली जाती है। L1 नाम की एक लिस्ट ली बेटा, और उसमें हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पॉप फंक्शन का यूज़ किया। पॉप फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, और उसमें वैल्यू असाइन कराई कि L1 में हमें क्या करना है, पॉप फंक्शन का यूज़ करना है। पॉप फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लास्ट एंड को, यानी एंड वाले एलिमेंट को डिलीट कर देती है। जैसे कि मैंने प्रिंट क्या किया, A। अभी अपने आप ही क्या करेगा बेटा, लास्ट वाले एलिमेंट को यानी 9 को, जैसे कि हमने क्या था, लास्ट एलिमेंट 9 था हमारा, तो ये क्या कर रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट को दिखा रहा है कि 9 जो है वो डिलीटेड एलिमेंट है। ओके, अगर हम चाहते हैं L1 प्रिंट करना, तो हम अगर यहाँ पे L1 प्रिंट करेंगे बेटा तो ये हमें कंप्लीट लिस्ट दिखाएगा, बट 9 रिमूव करके, क्योंकि पॉप फंक्शन क्या हो चुका है, ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं रिमूव फंक्शन की। रिमूव फंक्शन क्या करता है बेटा, रिमूव फंक्शन हमारा कोई भी गिवन कंडीशन में एलिमेंट को डिलीट करता है। लाइक मैंने यहाँ पे रिमूव फंक्शन का यूज़ किया, और उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे दिया, लाइक मुझे 2 रिमूव कराना है, और जैसे मैंने रन कराया यहाँ पर क्या हो गया, 2 रिमूव हो गया, 5, 4, 8, 9 वाली लिस्ट जो है वो हमारी क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। समझ आया इतना, ठीक है। उसके बाद हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्लियर फंक्शन क्या करता है बेटा, इसमें कोई कंडीशन नहीं देते, ठीक है। ये क्या कर देता है, पूरी लिस्ट को हमारी क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ये हमारे क्लियर फंक्शन का यूज़ था। जैसे हमने इसको किया लिस्ट ब्लैंक, क्यों, क्योंकि इसने सारे एलिमेंट को ऑलरेडी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स मैथड। रिवर्स मैथड क्या करता है बेटा, सारे एलिमेंट को रिवर्स में लगा देगा, यानी उल्टे। ये क्या है, 4, 2, 5, 4, 8, 9 है, 9, 8, 4, 5, 2 कर देगा। तो रिवर्स फंक्शन का हमने क्या किया, यूज़ किया यहाँ पे, और क्या किया हम लोगों ने बेटू, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखनी है रिवर्स में, क्यों, क्योंकि रिवर्स फंक्शन जो है बेटा हमारा अपने आप लेटर्स को रिवर्स कर देता है, तो कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये क्या हो गया, 9, 8, 4, 5, 2, जबकि हमारे पास क्या था, 2, 5, 4, 8, 9 था, ये रिवर्स हो गया। समझ में आया रिवर्स फंक्शन का यूज़। शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग 2 टाइप की होती है बेटा आपकी। शॉर्टिंग का मीन्स होता है सिक्वेंस मीन्स या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा 1, 2, 3, 4, 5, या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारी क्या हो गई, शॉर्टिंग हो गई। तो जैसे मैंने L1 के ऊपर शॉर्टिंग वाला फंक्शन अप्लाई किया, तो वैसे ये क्या कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ऐसो घाटी। और जैसे मैंने इसको रन किया, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में 2, 4, 5, 8 और 9। समझ में आया बेटू इतना, ठीक है। अब हमारे पास इतने ही टॉपिक थे, यानी लिस्ट के हमारे इतने ही टॉपिक बचे हुए थे। पहला हमारा टॉपिक क्या था बेटा, हमने पॉप फंक्शन पढ़ा। पॉप फंक्शन व्हाट, पॉप फंक्शन डू, पॉप फंक्शन रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, यानी लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, ये रिमूव करता है किसी भी गिवन लिस्ट में। उसके बाद रिमूव फंक्शन क्या करता है बेटा, रिमूव फंक्शन गिवन कंडीशन में फर्स्ट ऑक्यूरेंस गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या है, क्लियर मैथड। क्लियर फंक्शन, व्हाट क्लियर फंक्शन डू, क्लियर फंक्शन डिलीट यानी रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट एंड लिस्ट बिकम एम्प्टी। क्लियर है। आफ्टर दैट देयर इज अ रिवर्स। व्हाट रिवर्स डू, रिवर्स फंक्शन आपका जैसे कि 4, 5, 6, 7, इसको क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा। ये रिवर्स फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। रिवर्स फंक्शन के बाद हमारा शॉर्ट होता है। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्टिंग मीन्स या सिक्वेंस में लगाना, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, ठीक है।
इतना कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास एक टॉपिक इस चैप्टर का और बचा हुआ है, वो क्या है बेटा? टपल्स। टपल्स की क्लास जो है वो न्यू सेशन से ही स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग अगर रेगुलर मेरे क्लास लेने वाले हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। टपल जो होते हैं बेटा, टपल्स आर इंक्लोज्ड विद अ पैरेंथेसिस। जैसे कि हमारी लिस्ट क्या थी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज थी, वैसे ही टपल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, सर्कल ब्रैकेट में इंक्लोज होते हैं। बट हमारी ये जो है वो इम्यूटेबल फॉर्म होते हैं, यानी ये इनका डेटा जो है वो चेंज नहीं होता है स्टोरेज के बाद में, इसका क्या होता है, म्यूटेबल फॉर्म होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में टपल्स वर्सेस लिस्ट, टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग बताएंगे। फंक्शंस जो होते हैं या इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो होती है वो हमारी किस तरीके से डिफरेंस होती है, और जिस तरीके से हमने लिस्ट के फंक्शंस पढ़े थे सेम उसी तरीके से हम लोग टपल्स के फंक्शन और मेथड्स भी पढ़ेंगे। टपल्स का टॉपिक मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम लोग डिक्शनरी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ये क्लास खत्म करने के बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला है कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। अभी हम लोग स्मूथली इसे चल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ है। जैसे ही चैप्टर वन और टू फिनिश हो जाएगा आपका, मैं एक दिन में दो लेक्चर या एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हाफ चैप्टर फिनिश कराने की ट्राई करूंगी। अगर कोई फंक्शन रह गया हो, किसी की बुक में कोई एक्स्ट्रा फंक्शन दिया गया हो, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसका प्रैक्टिकल मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। क्लियर है? तब तक के लिए देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड Please do subscribe.